नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ सविता निर्वाण। चलते हैं गाजियाबाद की ओर, जहां विश्व जल दिवस पर कार्यशाला संपन्न। जल संरक्षण के लिए वन विभाग के अधिकारियों ने छात्राओं को दिलाई शपथ। गाजियाबाद जनपद के संजय नगर सेक्टर 23 स्थित रामकिशन इंस्टीट्यूट स्कूल परिसर में आज विश्व जल दिवस के मौके पर जल संरक्षण को लेकर वन विभाग ने एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें स्कूल की छात्राओं को जल स्रोतों के दोहन और उनके जल संरक्षण के बारे में महत्वपूर्ण टिप्स दिए। इसके अलावा स्कूल की छात्राओं ने जल स्रोतों के संरक्षण और नागरिकों में जल दोहन के प्रति जागरूकता लाने के लिए संकल्प लिया। इस अवसर पर वन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी अशोक गुप्ता ने कहा कि अगर जल दोहन इसी तरह होता रहा तो मानव जाति का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। इसी क्रम में फॉरेस्ट इंस्पेक्टर संजय कुमार ने कहा कि स्कूल स्तर पर जागरूकता लाना ही आंदोलन की महत्वपूर्ण कड़ी है। गाजियाबाद से अतुल शर्मा के साथ वैभव शर्मा की रिपोर्ट। देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, हमें वृक्ष लगाने चाहिए, जैसे कि अभी मोदी जी द्वारा कहा गया। लेकिन वृक्ष लगाना ही नहीं, हमें साथ में उसका ख्याल भी रखना चाहिए। ये केवल ऐसा कार्य नहीं जिसे केवल एक दिन किया जाए, हमें उसकी देखभाल करनी चाहिए। साथ ही हमें पानी को बचाने के लिए खुद को तो जागरूक होना ही चाहिए, साथ ही अपने समाज के लोगों को भी जागरूक करना चाहिए और पानी का कम से कम उपयोग करना चाहिए। साथ ही घर में हमें अपने माँ बाप को यह बताना चाहिए कि वो पानी का इस रूप से इस्तेमाल करें कि यदि हम बर्तनों को इस्तेमाल करते हैं धोने में, उस पानी का इस्तेमाल हमें फेंक कर ना कर बल्कि अपने आस पड़ोस की जगह को साफ करने के लिए भी इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि पानी का बचाव हो सके। और हमें आर ओ का पानी जिस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, उस तरह से ही हमें पानी का बचाव भी करना चाहिए। और जब हम कहीं देखें कि नल खुला हुआ है या फिर पानी का ज़्यादा ही दुरुपयोग हो रहा है, तो हमें उसे लोगों को समझाना चाहिए। और यदि वे बात नहीं समझते तो हमें उन्हें खुद ही प्रेरणा रूप तरीके से समझाना चाहिए और वह कार्य खुद ही कर लेना चाहिए, दूसरों की बात नहीं। उतने ज़्यादा ही वो
पेड़ पौधे लगेंगे, पानी बनेगा, पानी आएगा, तो ठीक है हिसाब से इस तरीके से इसको बचाना है, कैसे इसको रखना है, कैसे इसकी योजना बनानी चाहिए, उसी के लिए 22 मार्च का दिन तय किया गया और उसको बताया गया कि हमको किस तरीके से लगाना और कैसे करना है। तो आप सबको अभी इसी विषय पर उसमें है 20 दिवस पर हमको किस तरह से बनाना है, कैसे करना है, आप सब एकत्रित हो रहे हैं। हमारा मेन उद्देश्य है कि इसको हमको सबको जागरूक करना है। आप ही लोग हैं, आप लोग भी अपने आस पास के दूसरे लोगों को जागरूक करेंगे, उनको बताएंगे, उस हिसाब से ही इसमें चलेगा। और किस तरीके से बचाना है, कैसे करना है, आप लोगों को आगे कर देकर पर मालूम भी है और आगे जो करना है उसके हिसाब से चलते रहेंगे।